सब्सक्राइब कीजिए डीडीएन न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की ऐसी 5 सीटों के बारे में जिन पर एक ही परिवार की राजनीति चलती है। दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा की 5 सीटें ऐसी है जिन पर परिवारवाद बहुत हद तक हावी है। इन सीटों पर कई चुनाव से उसी परिवार के लोग खड़े हो रहे हैं। जनता कभी उन्हें जीता देती है तो कभी हरा देती है, लेकिन वो परिवार सीट नहीं छोड़ते। यहाँ तक भी देखा गया है कि जिस पार्टी से जुड़े रहे उसने टिकट नहीं दिया तो दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन सीट नहीं छोड़ी। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि क्या परिवारवाद की राजनीति लोकतंत्र की बड़ी समस्या है जिसमें विकास से हटकर परिवार की राजनीति पर ध्यान दिया जाता है, क्या यह उचित है? आपकी राय जरूर रखें। दोस्तों, इस बार के चुनाव में भी इन सीटों पर उन्हीं परिवारों के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। यदि ये कहा जाए कि ये सीटें उन परिवारों की पहचान बन गई है तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। अहम बात यह है कि परिवारवाद के मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पीछे नहीं है। ये सीटें चूरू, नागौर, अलवर, बाड़मेर व झालावाड़ है। इनमें अब जोधपुर भी शामिल होता दिख रहा है। जोधपुर से मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 बार सांसद रहे हैं। अब 20 वर्ष बाद उनके पुत्र वैभव गहलोत इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, बिना वक्त गवाए जानते हैं इन सीटों के पारिवारिक विश्लेषण को। नंबर एक पर है चूरू। लगातार 8वीं बार कस्वा परिवार को टिकट। राजस्थान के शेखावटी अंचल की सीट पर लंबे समय से कस्वा परिवार चुनाव लड़ रहा है। वर्ष 1991 में कस्वा परिवार के राम सिंह कस्वा ने यहां पहली बार भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब से लेकर अब तक हुए 7 चुनाव में 6 बार राम सिंह कस्वा और 7वीं बार उनके पुत्र राहुल कस्वा ने इस सीट से चुनाव लड़ा है। राम सिंह कस्वा 6 में से 4 बार जीते हैं, जबकि उनके बेटे राहुल कस्वा अभी इस सीट से सांसद है। अब फिर पार्टी ने उन्हें ही प्रत्याशी बनाए हैं। हालांकि इस बार कस्वा परिवार को टिकट के मामले में यहीं से भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की ओर से कड़ी चुनौती मिली, लेकिन अंत में कस्वा परिवार टिकट हासिल करने में सफल हो ही गया। झालावाड़ 12। 9वीं बार राज्य परिवार को टिकट। राजस्थान के हाड़ोती अंचल की सीट पर 9वीं बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के परिवार को टिकट दिया गया है। खास बात यह है कि अब तक के 8 चुनाव इस परिवार ने जीते भी हैं। वसुंधरा राजे वैसे तो राजस्थान के धौलपुर राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि उनका विवाह वहीं हुआ था, लेकिन चुनाव उन्होंने झालावाड़ से लड़े हैं। 1999 में वे पहली बार यहां से सांसद बनी थी। इसके बाद 1999 तक 5 चुनाव में वे यहीं से जीतती रही। वर्ष 2003 में जब वे मुख्यमंत्री बन गई तो ये सीट उनके पुत्र दुष्यंत सिंह को मिल गई और तब से दुष्यंत सिंह यहां से लगातार जीत रहे हैं। इस बार पार्टी ने 4थी बार दुष्यंत सिंह को मौका दिया है। कुल मिलाकर 9वीं बार इस परिवार को यहां से टिकट दिया गया है। नागौर 1971 से मृदा परिवार का वर्चस्व है। राजस्थान के पश्चिमी मध्य हिस्से की सीट पर 1971 से मृदा परिवार वर्चस्व में है। वर्ष 1971 में कांग्रेस के टिकट पर नाथूराम मिर्दा इस सीट से चुनाव जीते। उनका खूंटा इस सीट पर ऐसा गड़ा कि 1977 की जनता लहर में भी वे पूरे राजस्थान में से एकमात्र कांग्रेसी थे जो संसद में पहुंचे थे। इस सीट से वे खुद 6 बार सांसद रहे। उनकी मौत के बाद 1997 के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनके बेटे भानु प्रकाश मिर्दा को टिकट नहीं दिया तो भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और वो जीत भी गए। इसके बाद सिर्फ 2004 का चुनाव ऐसा रहा जब मिर्दा परिवार से किसी ने यहाँ चुनाव नहीं लड़ा। इसके बाद 2009 में नाथूराम मिर्दा की पोती ज्योति मिर्दा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया और वे सांसद बन गई। 2014 में फिर से कांग्रेस ने ज्योति मिर्दा को टिकट दिया, लेकिन वो हार गई। अब उन्हें तीसरी बार फिर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। अलवर राज परिवार की रही सक्रियता। पूर्व में राजस्थान का प्रवेश द्वार माने जाने वाली अलवर सीट पर अलवर राज परिवार की काफी सक्रियता रही है। यहां से कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के काफी नजदीक माने जाने वाले राज परिवार सदस्य भंवर जितेंद्र सिंह को लगातार तीसरी बार टिकट दिया है। इससे पहले 1991 में उनकी मां महेंद्र कुमारी को यहां से भाजपा के टिकट पर सांसद रह चुकी है। महेंद्र कुमारी ने 1998 में निर्दलीय और 1999 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़े, लेकिन हार गई। अब लोकसभा के मुख्य चुनाव में तीसरी बार जितेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी बन रहे हैं। पिछले वर्ष हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने करण सिंह यादव को प्रत्याशी बना दिया था, हालांकि वो टिकट भी जितेंद्र सिंह की रजामंदी से ही दिया गया था।
बाड़मेर। जसवंत सिंह का परिवार पांचवी बार मैदान में। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की इस रेगिस्तानी सीट पर पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह का परिवार सक्रिय रहा है। जसवंत सिंह के पुत्र 1999 में भाजपा के टिकट पर पहली बार इस सीट से सांसद बने। इसके बाद 2009 तक तीन बार उन्हें यहां से भाजपा ने टिकट दिया और वो दो बार जीते। 2014 में उनके पिता जसवंत सिंह ने यहां से टिकट मांगा तो भाजपा ने टिकट नहीं दिया। वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इस बार मानवेंद्र सिंह फिर से यहां से मैदान में हैं, लेकिन भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 2014 में पिता को टिकट नहीं मिलने के बाद उनकी पार्टी से दूरियां बढ़ती गई और अंततः पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।